हेलो स्टूडेंट्स, अपना जो टॉपिक SN1 की बात हो चुकी है, अब जो बात है वो SN2 रिएक्शन की है। SN2 रिएक्शन जिसका पूरा जो नाम है वो है, सॉरी, कल बात हम कर चुके हैं, डाई मॉलिक्यूल या बाई मॉलिक्यूल। डाई मॉलिक्यूल या बाई मॉलिक्यूल न्यूक्लियो फिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। डाई मॉलिक्यूल या बाई मॉलिक्यूल न्यूक्लियो फिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसका दूसरा नाम हमने क्या बोला, SN2 रिएक्शन। स्टूडेंट, SN1 के अंदर हमने क्या किया था, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात जो थी वो SN1 की क्या थी कि वो जो रिएक्शन है वो हमारे पास कितने स्टेप में हुई थी, दो स्टेप में हुई थी। फर्स्ट स्टेप में आपने एल्किल हैलाइड को तोड़ा था और कार्बोनियम आयन बनाया था और हैलाइड को अलग किया था। सेकेंड स्टेप में जो आपके पास फर्स्ट स्टेप के अंदर जो कार्बोनियम आयन बना था, उस कार्बोनियम आयन पर आपने न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवा करके, न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवा करके क्या किया, उस न्यूक्लियोफाइल को जो है उस कार्बोनियम आयन पर जोड़ दिया, जिससे आपका जो है वो पूरी तरह न्यूक्लियोफाइल है, जहां से हैलाइड हटा था वहां पर जुड़ गया। स्टूडेंट, बात याद रखने की ये भी बताई थी मैंने कि हैलाइड जो है वो खुद एक न्यूक्लियोफाइल है। हैलाइड जो है वो खुद क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है। तो हैलाइड एक न्यूक्लियोफाइल होने के कारण एक न्यूक्लियोफाइल की जगह दूसरे न्यूक्लियोफाइल जो है उन एक न्यूक्लियोफाइल की जगह दूसरे न्यूक्लियोफाइल का जो है सब्स्टिट्यूशन हो गया। जैसा कि आपको बताया था कि जो रिएक्शन की वेलोसिटी थी, जो वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन थी, वो केवल एक ही मॉलिक्यूल पे डिपेंड कर रही थी, वो था एल्किल हैलाइड। एक ही मॉलिक्यूल पे अगर डिपेंड कर रही थी तो हमने उसको क्या बोल दिया, एक ही मॉलिक्यूल पे डिपेंड कर रही थी तो हमने उसको बोल दिया यूनिमोलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब बात आती है SN2 रिएक्शन, यानी SN2 क्यों बोला है, इसका मतलब आपको अच्छे तरीके से पता चल गया कि जो वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन है, जो रिएक्शन की वेलोसिटी है, वो किस पे डिपेंड कर रही है, दो मॉलिक्यूल पे डिपेंड कर रही है। तो वो दो मॉलिक्यूल कौन से होते हैं स्टूडेंट, इसके अंदर जो है, एग्जांपल के लिए मैं बात बताऊं, इसको हम डायरेक्टली करेंगे। देखें स्टूडेंट्स, ये एल्किल हैलाइड है, ये एल्किल हैलाइड है, इस पर डायरेक्टली क्या होगा, एक न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो जाएगा। स्टूडेंट, मैं थोड़ी जगह ले लेता हूं इसके अंदर ताकि हमको कोई दिक्कत नहीं रहे। ये न्यूक्लियोफाइल है, मैं यहां पर लिख देता हूं स्टूडेंट, यह है न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, एल्किल हैलाइड पर न्यूक्लियोफाइल का। उसके अंदर क्या हुआ था, सबसे पहले आपने एल्किल हैलाइड को तोड़ा था, उसके बाद उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल को जोड़ा था। यहां पर क्या कंडीशन होगी, एल्किल हैलाइड पर हैलाइड के रहते ही क्या कंडीशन हो जाएगी, न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो जाएगा। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पर यह कंडीशन तो से एज इट इज वैसी की वैसी, एक ऐसी स्टेट का जो है प्रोडक्शन होगा, ऐसी स्टेट बन जाएगी जिसके अंदर आपको हैलाइड तो निकलता हुआ और जो न्यूक्लियोफाइल है वो आपको जुड़ता हुआ नजर आएगा। देखिए स्टूडेंट, ये तो जो है वो जा रहा है,
ठीक है, और ये जो है वो कार्बन पे जुड़ रहा है। ऐसी सिचुएशन के अंदर कार्बन की कितनी वैलेंसी कंप्लीट होती है? 5 वैलेंसी कंप्लीट होती है। और जब कार्बन की 5 वैलेंसी कंप्लीट होती है तो कार्बन एक अनस्टेबल स्टेट में चला जाता है। क्यों? कार्बन की वैलेंसी 4 है, कार्बन की वैलेंसी 5 होते कार्बन क्या हो जाएगा? अनस्टेबल। तो एक अनस्टेबल स्टेट का जो है वो प्रोडक्शन हो जाएगा, जिस स्टेट का नाम है ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट। आपको पूछा जा सकता है कि ट्रांजिशन स्टेट अनस्टेबल क्यों है? क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट एक ऐसी स्टेट है जिसके अंदर हैलाइड तो निकलता हुआ, एलिमिनेट होता हुआ, और OH जो है वो एडिशन होता हुआ दिखाई देता है। Cl तो निकलता हुआ और OH जुड़ता हुआ दिखाई देता है। ऐसी अवस्था जो होती है वो कार्बन की एक अस्थायी अवस्था होती है, क्योंकि इसमें कार्बन की जो वैलेंसी है यानी संयोजकता है वो कितनी होती है? 5 होती है। तो स्टूडेंट एक यहां पर क्वेश्चन और बनता है कि यहां पर जो न्यूक्लियोफाइल है उसने अटैक किया है वो किस टाइप से अटैक किया है? तो स्टूडेंट ध्यान देने वाली बात है, न्यूक्लियोफाइल हैलाइड के एकदम 180 डिग्री से अटैक करता है। न्यूक्लियोफाइल हैलाइड के ठीक 180 डिग्री एंड अपोजिट साइड से अटैक करता है। इस अटैक को, इस न्यूक्लियोफाइल के अटैक को क्या कहते हैं? रियर अटैक कहते हैं। क्या कहते हैं? रियर अटैक। और इसका एक दूसरा नाम और है जिसका नाम है बैक साइड अटैक। क्या कहेंगे? रियर अटैक या बैक साइड अटैक। ये किसके द्वारा होता है? किसके? बाय न्यूक्लियोफाइल। किसके ऊपर होता है? कार्बन के ऊपर। किसको हटाने के लिए होता है? हैलाइड को हटाने के लिए। स्टूडेंट ये नाम जो है वो मैं नीचे लिख देता हूं, क्योंकि आगे हमें जो है वो जगह चाहिएगी। देखें स्टूडेंट यहां पर मैं लिख देता हूं रियर अटैक, एंड या इसको बोल सकता हूं दूसरा नाम क्या है इसका? बैक साइड अटैक। ठीक है, अब आगे क्या होगा स्टूडेंट? देखें इसी प्रोसेस के अंदर आगे क्या होगा? लास्ट के अंदर ये जो न्यूक्लियोफाइल था वो क्या होगा? जुड़ जाएगा। ठीक है, और ये जो हैलाइड था वो क्या हो जाएगा? हट जाएगा। न्यूक्लियोफाइल आसानी से क्या होगा? जुड़ जाएगा, और हैलाइड वो क्या होगा? अलग हो जाएगा। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, हैलाइड जहां जुड़ा था उसकी अपोजिट साइड क्या जुड़ा है? क्या जुड़ा है? यानी इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है, इस कॉन्फ़िगरेशन के बिल्कुल अपोजिट है या नहीं है? बिल्कुल अपोजिट है या नहीं है? देखो इसके अंदर हैलाइड राइट साइड में है, जबकि उसमें न्यूक्लियोफाइल क्या है? लेफ्ट साइड में। तो दोनों का कॉन्फ़िगरेशन जो है वो अपोजिट हुआ या नहीं हुआ? दोनों का कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ? अपोजिट हुआ। इस अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन को, इस अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन को एक साइंटिस्ट वाल्डन ने एक नाम दिया जिसका नाम है वाल्डन इन्वर्सन। क्या नाम है? वाल्डन इन्वर्सन, या इसको बोल सकते हो इन्वर्सन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, विन्यास का प्रतिपन, इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, यहाँ पे वाल्डन इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो स्टूडेंट एक बार फिर समझे SN2 रिएक्शन को, इसमें एल्किल हैलाइड पर डायरेक्टली न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, और एक ऐसी स्टेट, एक ऐसी अनस्टेबल स्टेट का जो है निर्माण होता है, या आप बोल सकते हो कि प्रोडक्शन होता है या फॉर्मेशन होता है, जिसमें हैलाइड तो एलिमिनेट होता हुआ, OH एडिशन यानी जुड़ता हुआ दिखाई देता है। इस अवस्था में, इस स्टेट में कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 5 होती है। इस स्टेट में कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 5। इसलिए इस स्टेट को
इस स्टेट का दूसरा नाम क्या लिख दिया, ये एक क्या होती है, अनस्टेबल स्टेट होती है। क्या होती है? अनस्टेबल स्टेट होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि कार्बन की वैलेंसी इसमें कितनी होती है, 5 होती है। उसके बाद यहां पर बात करें वाल्डन इन्वर्सन की कैसे बना, तो स्टूडेंट हैलाइड जो स्टेप है उस आगे क्या होता है, आगे हैलाइड है वो अलग हो जाता है और न्यूक्लियोफाइल जो है वो आराम से कार्बन पर जुड़ जाता है। न्यूक्लियोफाइल आराम से क्या होता है, कार्बन पे जुड़ जाता है। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, जो प्रोडक्ट बना है उसका कॉन्फिगरेशन, जो रिएक्टेंट है उसके बिल्कुल क्या होता है, अपोजिट होता है। प्रोडक्ट का कॉन्फिगरेशन रिएक्टेंट के बिल्कुल अपोजिट होता है ना। ये एकदम क्या होता है, इनवर्स, यानी ये एकदम अपोजिट होता है। इस अपोजिट कॉन्फिगरेशन को क्या कहेंगे, इनवर्सन ऑफ कॉन्फिगरेशन, और वाल्डन इनवर्सन ऑफ कॉन्फिगरेशन, और ऐसे वाल्डन नामक साइंटिस्ट ने इसका नाम दिया वाल्डन इनवर्सन। क्या नाम दिया, वाल्डन इनवर्सन, ठीक है। तो ये आपकी SN2 रिएक्शन थी। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, ये पूरी स्टेप किसके अंदर हुई, एक स्टेप में। तो ये सबसे बड़ा अंतर हो गया यहां पर, सबसे बड़ा अंतर ये हो गया कि SN1 और SN2 में क्या अंतर है, सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है। वो तो दो स्टेप में हुई थी और ये कितने स्टेप में हुई थी, एक स्टेप में हुई थी। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, अब दोनों में अंतर की बात करते हैं। और स्टूडेंट एक बात मैं बतानी भूल गया, एक बार यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक बार मैं SN2 को वापस लिखूँ स्टूडेंट, उसके अंदर मेन बात तो मैंने आपको बतानी भूल गया। देखो SN2 के अंदर ये कंडीशन बनी थी आपके, SN2 के अंदर आपने ये कंडीशन बनाई थी, अभी यही लेके चले थे आप SN2 में, यही लेके चले थे, है ना। वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन हमेशा किस पे डिपेंड करती है, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करती है, हमेशा रिएक्टेंट पे करती है। आप कितने रिएक्टेंट लेके चले हो, एक तो ये रहा और एक ये रहा, कितने रिएक्टेंट लेके चले हो, दो लेके चले हो, तो वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन कितने मॉलिक्यूल पे डिपेंड करेगी, दो मॉलिक्यूल पे डिपेंड करेगी। इसलिए इस रिएक्शन का जो नाम है वो क्या नाम है, बाई मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और शॉर्ट फॉर्म में आपने इसको क्या बोल दिया, SN2 रिएक्शन। तो यहां पर बात आती है कि इसको आपने बाई मॉलिक्यूल क्यों कहा, तो वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन के अकॉर्डिंग मैंने इसको बाई मॉलिक्यूल कहा। आगे देखें स्टूडेंट, इनकी डिफरेंस की बात करते हैं, SN1 और SN2 की डिफरेंस की बात करें, डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, सबसे पहली बात ठीक है, इसमें वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल ओनली एल्किल हैलाइड, और इसमें क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू एल्किल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। तो इसको बाई मॉलिक्यूल और इसको जो है यूनिमॉलिक्यूल। सेकंड, ये जो है ये रिएक्शन जो है वो कितने स्टेप में कंप्लीट होती है, 2 स्टेप में कंप्लीट होती है, और ये कितने स्टेप में होती है, 1 स्टेप में होती है। उसके बाद ये बात, ये 3° एल्किल हैलाइड रिप्रेजेंट करते हैं और ये कितने, 1° एल्किल हैलाइड रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये 3 तो मोस्ट ऑफ हो गए, एक और इसमें जो है मीडिएटर,
स्टेट का प्रोडक्शन या फॉर्मेशन होता है, और इसमें कौन सी स्टेट का हुआ था, ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। तो ये चार बड़े डिफरेंस जो हैं वो आपके SN1 और SN2 के बीच में रहते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन पक्का आता है, ये तीन बातें SN1, SN2 और इन दोनों में डिफरेंस, इन तीनों के बिना कभी पेपर जो है वो नहीं बनता 12th क्लास का। और नीट और IIT में भी आपको इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपको आते ही रहते हैं। तो स्टूडेंट SN1 और SN2 के ये थे डिफरेंस, और SN1 और SN2 की मेन जो है वो बात हमने कर ली है। तो स्टूडेंट इसका आप जो है बिल्कुल इस चीज का ध्यान रखें। यहां पर ऐसे भी बोल सकते हो कि यहां पे कार्बोनियम आयन बनता है और यहां पर जो है ट्रांजिशन स्टेट बनती है, एक ही बात है यहां पर। और SN1 और SN2 का पूरा नाम भी आपको पता होना चाहिए, यूनिमोलिक्यूल सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिक्यूल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड बाईमोलिक्यूल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो स्टूडेंट आज के चैप्टर का जो अपना पार्ट है वो कंप्लीट होता है SN2 रिएक्शन के साथ। स्टूडेंट SN1 और SN2 एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इनका डिफरेंस भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस चीज को स्टूडेंट आप बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, और ध्यान रहे इस बात का कि यहां पर जो है वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन के अकॉर्डिंग ही इनका जो है वो नोमेनक्लेचर किया गया है कि इसको बाई मॉलिक्यूल बोला है और इसको यूनी मॉलिक्यूल बोला है। तो स्टूडेंट ये जो है केवल इसी पे डिपेंड है। अगर आपको पूछे कि SN1 और SN2 जो नेम है वो किस पे डिपेंड है, तो वो वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को कंप्लीट करता हूं इस रिएक्शन की, इन दोनों रिएक्शन की मैकेनिज्म के साथ। तो स्टूडेंट ये आपको डिफरेंस आपको पढ़ लेना है। अगर आपका SN1 और SN2 से रिलेटेड पार्ट जो है वो एकदम बढ़िया है तो स्टूडेंट आपको कहीं पर घबराने की जरूरत नहीं है, डिफरेंस भी आपको तैयार होंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये बात करेंगे 3 डिग्री जो है, 3 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री की स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी के ऊपर, जिससे आपको ये भी समझ में आएगा कि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड SN1 क्यों और 1 डिग्री एल्किल हैलाइड SN2 क्यों, वो बात पता चलेगी स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी में। तो इसी के साथ मैं वीडियो को कंप्लीट करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद स्टूडेंट।